मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग अपस्टॉक में आप लोग अपना एक न्यू अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, और मैं आप लोग को इस वीडियो में अपस्टॉक में आप लोग को मैं यहां पे अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा, और एकदम मैं आप लोग को यहां पे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं यहां पे प्रोसेस बताऊंगा अपस्टॉक में। तो अगर आप लोग को भी अकाउंट आप लोग को यहाँ पे ओपन करना है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो आप लोग को मेरे वीडियो के नीचे में अपस्टॉक का लिंक मिलेगा, तो आप लोग जैसे उस लिंक पर टैप करेंगे आप लोग आ जाएंगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पे। सिंपल आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके जब आप लोग यहाँ पे पहली बार ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने अपस्टॉक का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट, सिंपल आप लोग को इस पर टैप करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाला, सिंपल आप लोग यहाँ पे साइन अप विज मोबाइल नंबर पे टैप करेंगे, आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सिंपल आप लोग के नंबर पे ओटीपी आएगा, आप लोग यहाँ पे ओटीपी को डालेंगे और यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। ओटीपी को डाला और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप किया तो आप लोग के यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सिंपल आप लोग यहाँ पे 6 पिन का आप लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे पिन करना होगा, पिन डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना 6 नंबर का यहाँ पे मैं पिन को डाल देता हूँ। सिंपली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा, तो आप लोग को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को डाल देते हैं। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल दिया, सिंपल आप लोग यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल आप लोग यहाँ पे गेट ओटीपी पे टैप करेंगे और आप लोग यहाँ पे नीचे में अपना मतलब ओटीपी को डालना है और आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। को डाला और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आप लोग को यहाँ पे पैन कार्ड और आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा, और आप लोग को यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड को आप लोग को यहाँ पर डालना होगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपने पास रख लेंगे और आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, सिंपल आप लोग को यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इन दोनों को फिल कर लेता हूँ। सिंपल आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सिंपल आप लोग को यहाँ पे अपना मेल और अपना यहाँ पे मेल फीमेल, आप लोग यहाँ पे सिंगल हैं या आप लोग यहाँ पे मैरिड हो, आप लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। आप लोग को यहाँ पे एनुअल इनकम कितना है, आप लोग यहाँ पे जितना भी होगा वो आप लोग डाल देंगे। आप लोग यहाँ पे बिफोर से 1 लाख या 1 लाख से 5 लाख, फिर आप लोग यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख, फिर आप लोग अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप लोग के यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग के यहाँ पे मतलब 0 एक्सपीरियंस है और आप लोग यहाँ पे न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे लेस देन 1 ईयर्स पे टैप करेंगे। फिर आप लोग को यहाँ पे अपना पैन कार्ड में जो आपका फादर नेम है, आप लोग यहाँ पे अपना फादर नेम को डालेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे ऑप्शनल को चूज करेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे आपको पॉलिसिटी इसमें आप लोग नो करेंगे और यहाँ पे आप लोग इसके नीचे आप लोग यहाँ पे एस करेंगे। तो इन सभी को फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे सारा चीज़ को मैंने यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे में आई एक्सेप्ट करेंगे और आप लोग यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन नवीन कुमार हैज़ बीन स्टॉक फॉर 0। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे अकाउंट जो ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपनिंग हो रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप लोग को यहाँ पे 200 रुपये 250 रुपये का आप लोग को यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज यहाँ पे बिल्कुल 0 है, अभी यहाँ पे 1 रुपये भी यहाँ पे अकाउंट मतलब अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे जब भी अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग यहाँ पे हो सके फ्री भी मिल सकता है, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। वो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइम पे आप लोग यहाँ पे अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे आई वॉन्ट ए स्टॉक फॉर आप लोग 0 के ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद मेरा यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रहा है। अब आप लोग यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर करना होगा और उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, सिंपल आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे।
और यहाँ पे फिर से आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। डीजी लॉकर से आप लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू नाउ के कनेक्ट नाउ के ऑप्शन पे टैप करेंगे, फिर आप लोग यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डीजी लॉकर से आप लोग को अपना यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। अब आप लोग को यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड को डाल दिया, मतलब आधार नंबर को, फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद आप लोग के यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर में आप लोग का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस नंबर पे आप लोग का ओटीपी आएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे वो वाला ओटीपी को आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी को फिल कर दिया, सिंपली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे डीजी लॉकर से वेरीफाई हो चुका है, अब आप लोग को यहाँ पे अपना एक सेल्फी आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एक सेल्फी को अपलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना सेल्फी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। सिंपली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, या नहीं तो आप लोग चाहे तो फिर से फोटो ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। अब आप लोग को यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को डालना होगा, यानी आप लोग को यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को डालना होगा। तो आप लोग को यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम, आप लोग को यहाँ पे आईएफएससी कोड, फिर आप लोग को यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, फिर आप लोग को यहाँ पे री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, और आप लोग को यहाँ पे सेविंग या करंट अकाउंट है आप लोग को वो चूज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक डिटेल को फिल कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना बैंक डिटेल को फिल कर लिया, अब आप लोग को यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, और यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप आपको फॉर फ्री। सिंपली आप लोग इस पर टैप करेंगे, और आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, और यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लिमिट प्लान ऑफर आर ऑन देयर वे। सिंपली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, फिर आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे एस एक्टिवेट दच सेगमेंट, और यहाँ पे नो एल आई लेटर। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो एस या नो कर सकते हैं, आप लोग इसे चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे रहने देता हूँ। सिंपली आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, और यहाँ पे आप लोग का कुछ इस प्रकार से आ चुका है ऑप्शन। और अब आप लोग को यहाँ पे सिंपली आई डू इट लेटर के ऑप्शन पे टैप करना है। सिंपल आप लोग को यहाँ पे ई साइन करना होगा, आप लोग को यहाँ पे आधार ओटीपी से आप लोग को यहाँ पे ई साइन करना होगा। सिंपल आप लोग यहाँ पे आधार ओटीपी के ऑप्शन पे टैप करेंगे, आप लोग को यहाँ पे सिंपल ई साइन नाउ के ऑप्शन पे टैप करना, प्रोसीड टू ई साइन करना है। आप लोग को नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको साइन अप नाउ, सिंपल आप लोग इस पर टैप करेंगे, और आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे NSDL का आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगा। सिंपल आप लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर को डालेंगे, और आप लोग यहाँ पे अपना टिक करेंगे, उसके आप लोग यहाँ पे सेंड OTP पे टैप करेंगे। जैसा कि मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया, और मैंने यहाँ पे अपना चेकबॉक्स में टिक किया, सिंपली आप लोग यहाँ पे सेंड OTP पे टैप करेंगे। आप लोग के नंबर पे OTP भेजा गया, अब आप लोग के यहाँ पे सिंपली अपना OTP को डाल देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना OTP को डाल दिया, सिंपल आप लोग यहाँ पे वेरीफाई OTP पे टैप करेंगे, और आप लोग के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेरीफाई लेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई साइन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और मेरा यहाँ पे देखिए ई साइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मेरा ई साइन होने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होगा, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डीमेट अकाउंट आप लोग को यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को यहाँ पे देखिए 3 दिन का टाइम लेगा, आप लोग के यहाँ पे 3 दिन के अंदर ही आप लोग के यहाँ पे डीमेट अकाउंट आप लोग को यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप लोग के यहाँ पे टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग के यहाँ पे डीमेट अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे 3 दिन का वेट मैं कर लेता हूँ। को यहाँ पर आज से 10 घंटे के बाद आप लोग को यहाँ पे ईमेल में आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अपस्टॉक अकाउंट इज नाउ एक्टिव। और यहाँ पे मेरा अपस्टॉक का अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग को यूजर नेम और आप लोग को यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड आप लोग को दे दिया जाएगा,
तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड को आप लोग को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद सिंपल आप लोग को आना है अपस्टॉक में और आप लोग को यहाँ पे अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। सिंपल आप लोग यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे और आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डाल देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डाल दिया, सिंपल आप लोग यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और आप लोग को यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का आप लोग को यहाँ पे ईयर को चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना ईयर को चूज करता हूँ और यहाँ पे अब आप लोग का चेंज पासवर्ड आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले अपना पासवर्ड को चेंज करना है। आप लोग को यहाँ पे अपना ओल्ड वाला पासवर्ड डालना है, आप लोग को यहाँ न्यू पासवर्ड डालना है, फिर आप लोग यहाँ पे फिर से न्यू पासवर्ड डालेंगे और आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड को डाल दिया है, सिंपल आप लोग यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर आप लोग को यहाँ पे नीचे में सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को और एक दो वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें कि मैं आप लोग को अपस्टॉक में आप लोग को यहाँ पे कैसे अपस्टॉक को आप लोग को बाय करना है, सेल करना है, इसमें आप लोग को कैसे अपना फंड इरेज करना है, आप लोग को इसमें अपना डिपॉजिट कैसे करना है, इसमें आप लोग को शेयर को कैसे बाय सेल करना है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसमें आप लोग को अपस्टॉक में आप लोग रेफर करके भी अच्छा खासा अमाउंट की अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा रेफर एंड अर्न, आप लोग यहाँ पे पर रेफर आप लोग यहाँ पे 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक की आप लोग यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपस्टॉक में आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आप लोग 1000 रुपये, 1200 रुपये तक का आप लोग इसमें एक फ्रेंड को रेफर करने पर मिलता है। तो आप लोग इसमें रेफर करके भी अच्छा खासा अमाउंट की अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पे अपस्टॉक में अपना अकाउंट जरूर बनाए। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि आप लोग अपस्टॉक में आप अपना खुद का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब